इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपका एस्टिमेशन क्यों फेल होता है, और मैंने ये भी कहा था कि आपका एस्टिमेशन बार बार फेल होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग जो यूज करते थे वो था रेड ब्रेक। आप देख सकते कितना रफ है ये, और यहाँ पे एस्टिमेशन के फेल होने के चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे खाली पोअर वर्कमैनशिप का कसूर नहीं है, यहाँ पे फिनिशिंग का भी कसूर है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है AAC ब्रिक, ऑटोक्लेव एरेटेड ब्रिक। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके साइजेस, इसके कोने देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। इसमें आपने जो एस्टिमेशन बनाया है 10 mm के हिसाब से, तो डेफिनेटली वो एस्टिमेशन आएगा। ये देख सकते हैं, अब मैक्स यहाँ पे 10 mm का मसाला लगा हुआ है, तो एस्टिमेशन हमारा प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अगर कल को आप प्लास्टर भी करेंगे तो प्लास्टर का भी थिकनेस आप जितना चाहोगे उतना ही रख सकते हो। अगर आप भी अपने घर में चाहते हैं कि आपका लेबर कास्ट कम आ जाए, तो डेफिनेटली आप भी AAC ब्रिक का यूज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।